देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैंपियरगंज के भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए देश के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें और देश को शक्तिशाली बनाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश सरकार के पंजों से भारत आज़ाद हुआ और भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का बहुत महत्व है। गोरखपुर हो, बलिया हो, भारत की आज़ादी में यहाँ के भी महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से गोरखपुर की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। मैं चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस लोक त्यौहार के रूप में मनावें। ध्वजारोहण सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो विद्यालय हों हमारे और चाहे वो हमारे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, सभी जगहों पर इसको पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के वासियों को, प्रदेश के वासियों को और ख़ास तौर से गोरखपुर जनपद के नागरिकों को विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि गोरखपुर विकास के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका है और निश्चित रूप से गोरखपुर का विकास बहुत आगे जा रहा है। मेरी पूरी शुभकामनाएं गोरखपुर वासियों को आज पुनः मैं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।